पर देख रहे हो पूरी बर्फ ही बर्फ जमी पड़ी है, इस तरफ पूरी बर्फ ही बर्फ जमी पड़ी है। हेलो, हाँ जी, कैसे हो सारे? बढ़िया हो ना? मौज में, चलो ठीक है। तो पिछला व्लॉग देखा था, उसके अंदर हम आए थे भाई कटरा, और आज हमारी चढ़ाई हो रही है वैष्णो देवी के लिए। ऊपर वहाँ पर वैष्णो देवी है और यहाँ से अभी एंट्री करनी है। वहाँ पर हमारी चेकिंग वगैरह होगी और पर्ची देखी जाएगी, जो कि मैं ऑनलाइन कटवा के लाया हूँ। अगर आप ऑनलाइन कटवा के नहीं लाते हो तो यहाँ पर भी आप आके ले सकते हो, लेकिन उसके लिए बहुत लंबी लाइन लगती है और टाइम भी बहुत ज्यादा खर्च हो जाता है। अब घर पे से निकले, हम घर से ऑनलाइन कटवा के आ गए। पर्ची कटेगी, उसमें आधार कार्ड का नंबर डलेगा, फिर आधार कार्ड और पर्ची यहाँ पर चेक होगी, बैग चेक होते हैं शायद, जो भी होगा यहाँ पर होगा। यहाँ पर पर्ची चेक करवा लें, उसके बाद आपसे आगे मिलता हूँ। तो यहाँ पर हमने चेकिंग करवा ली है। यहाँ पर ना दो रास्ते होते हैं, एक न्यू ट्रैक टाराकोटा का बना है जो यहाँ से जाता है, ये 5 किलोमीटर एक्स्ट्रा पड़ता है, और ये जो जिससे हम जा रहे हैं ये पुराने वाला है जिसपे खच्चर वगैरह चलते हैं। लेकिन साफ सफाई काफी ज्यादा है और भीड़ भी नहीं है इतनी, उसमें आपको 5 किलोमीटर फालतू पड़ेंगे। चेकिंग तो भाई साहब पुलिस वाला ऐसे कर रहा था कि जिसकी कोई हद नहीं, इसका तो पता नहीं क्या क्या छू दिया, समझ ही नहीं आया। ठीक है, तो सांस फूलने लग गई अभी यहाँ से ही। तो आपसे बीच बीच में मिलते रहेंगे, जब कुछ अच्छा आपको दिखाने के लिए होगा तो आपको दिखाएंगे, बाकी अभी तो कुछ नहीं कहने, अभी सांस फूल रही है, आगे चलते रहो बस। यहाँ पर ऐसे आपको खच्चर भी मिल जाएंगे जो आपको ऊपर लेके जाएंगे, शायद 800 रुपए लेते हैं ये ऊपर ले जाने का। आपको इस भाई से पूछते हैं कितने रुपए लेते हैं। भाई ऊपर ले जाने का कितने रुपए लेते हैं खच्चर से? 1250। 1200 रुपए एक बंदे का। ओके, चल ये बात पूछनी थी। तो 1250 रुपए एक बंदे का लगेगा अगर आप खच्चर से जाना चाहते हो। बाकी यात्रा करने आए हो तो बेस्ट है यार कि पैदल चलो, बाकी जिसकी जैसी श्रद्धा वो वैसा करेगा। हेलीपैड का भी सुविधा है, उसके मेरे को पैसे नहीं पता, अभी हम पैदल ही सवारी कर रहे हैं। मार्केट देख लो यहाँ पर, वो साइड वो साइड वो साइड वो साइड, ये तो हमारा एक्सीडेंट हो जाता अभी। नीचे देखोगे कितना बेहतरीन झरना चल रहा है वहां से लेकर, ये देख रहे हो कैसे करके जा रहा है। और यहाँ पर मूर्ति वगैरह भी देखो, हाथी बने हुए हैं वहाँ पर, गणेश जी बने हुए हैं, कितना बढ़िया नजारा है यहाँ का, देख रहे हो। जैसे ही आप स्टार्टिंग करोगे ना तो वैसे ही ये चीज आपको देखने के लिए मिल जाएगी। मैं आपको दिखाता जा रहा हूँ ताकि आपको भी, वैष्णो देवी जी नहीं आया उसके दर्शन मैं खुद ही करवा दूँ। थकान ज़्यादा हो गई थी, इसको तो बहुत ज़्यादा हो गई थी, गर्मी लग रही थी और मेरे को भी थोड़ी सांस से फूल गई थी। वो जो तीसरा बंदा है वो तो गिर गया था रास्ते में, उसको उठा उठा के ऊपर लेके आए हैं। तो यहाँ पर शिकंजी ले रखी है, 20 रुपए की एक शिकंजी है। ठंड पा, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। अब मैं तो अंदर एक इनर पहन के आऊँगा, फिर ऊपर टी शर्ट और एक ऊपर जैकेट पहन रखी है, इसने अब अपनी जैकेट उतार दी है, अब ये सिंगल टी शर्ट में ऊपर चलेगा। और पीछे वो देख रहे हो झरना है, तो आओ चेस करते हैं और आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ ना सीढ़ी से चढ़ाई कर रहे हैं, अभी हमने 160 सीढ़ियाँ चढ़ी थी, अब ये 360 सीढ़ियाँ हैं, ये बात पता नहीं और कितनी है। और इस टाइम आपको सूरज दिखाऊंगा ना, कितना बढ़िया लग रहा है देखने में, ये देखो सूरज कितना बढ़िया लग रहा है देखने में। और हम वहाँ से नीचे से आया, वहाँ जो देख रहे हो ना, पता दिख रही है नहीं दिख रही, और इसकी तो हालत बिल्कुल पंचर हो चुकी है। ये 50 किलो वाला है, ये 82 किलो वाला है, तो इसकी पंचर हो चुकी है। तुम्हारे भाई की भी हालत पूरी पूरी पंचर हो चुकी है, रेस्ट रेस्ट लेके चल रहे हम, चल कुछ नहीं रहे, बस रुके बड़े हालत बार बार पंचर हो रहा है। सही बात है, बहुत खराब हो रही है यार, तीसरी बार आ रहा हूँ मैं वैष्णो देवी, जब भी हालत खराब हो रही है, मतलब वो कंपनी नहीं मिल रही है ना ढंग की। ये बंदा हर दो दो मिनट में रुक जाता है, क्या फिर क्या कहता है तू दोस्त है, दोस्त है, दोस्ती के चक्कर में छोड़ रहा है। और ये बंदा 50 किलो का वजन लेके पाया लेके ऊपर निकल जाता है, हवा के साथ ऊपर जा रहा है। तो हमने जो है ना
सीढ़ी पे चलने का फैसला बहुत गलत ले लिया है। अभी तक हम कुल 800 सीढ़ी चढ़ चुके हैं और ये वाली जो सीढ़ी हम चढ़ रहे हैं इस पे कुल 526 सीढ़ी है। सांस फूल गई है, पाया भर का बंदा बहुत जल्दी जा रहा है ऊपर और सूरज तो बड़ो एक नंबर का लग रहा है यार, हालत ख़राब हो गई। हाँ, एक नंबर का व्यू आ रहा है। वो नीचे कटरा देखो यार क्या लग रहा है, ये देखो सामने से। ये रुकने के बहाने हैं इनके, ताकि रुक रुक के चलना पड़े इसको, जब भी बोल रहा है उधर का व्यू ले ले। अरे यार हालत ख़राब हो गई बाबा, प्लेन रास्ते पे चलेंगे, सीढ़ी पे हालत ख़राब हो गई। तो भाई जितना हम लेट चल रहे थे ना उतना हम तीनों ने मिलकर जल्दी कवर कर लिया है। अब यहाँ से कुल 5.5 किलोमीटर बचा है और ये पीछे देख रहे हो जो आप एक कमरा टाइप का, यहाँ से आपको ना कार मिलेगी, मतलब जो रिक्शा होता है ना, जो आप बैटरी वाले रिक्शा देखते हो, ये बैटरी वाले रिक्शा हैं जो आपको ऊपर लेके जाएंगे, उसकी पर्ची आपके पीछे से कटेगी। बाकी बेस्ट है यात्रा करो पैरों के थ्रू, मज़ा आता है। पहले आप थक जाओगे लेकिन जब मज़ा फ्लो बन जाएगा ना एक बार तो सही खींच जाओगे। अब लग रही है भूख बहुत कसूती वाली, चलते हैं देखते हैं कुछ खाने के लिए। बहुत ज़्यादा भूख लग रही है यार, बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। तो करीबन 3 किलोमीटर और चल लिए अब यहाँ से माता का दरबार, सिर्फ 2 किलोमीटर बचा है और बीच में ये कुछ स्टॉल टाइप का दिखा था जहाँ पर खाने पीने का सिस्टम था। तो हम रुके और खाने के लिए लिया है, यहाँ पर लिया है मैंने अपने लिए कढ़ी चावल, इसमें राजमा चावल, और दोनों इसी ने खोस लिए। मतलब वही है ना जो हम टिफिन में करते थे, वो आज काम यहाँ भी कर रहा है ये बंदा। टिफिन भी खोस लेता था, आज यहाँ भी खोस लिया और ये अपना साइड में बैठ के ये खा रहा है अपने कढ़ी चावल नहीं राजमा चावल। ये अकेले चालू हो गया क्योंकि ये वो सरकारी नौकरी वाला सिस्टम है इसका, ये अकेले चलता है इसका। तो राजमा चावल खाते हैं। बाकी यार अब ना जो हमने स्पीड पकड़ी है बहुत ही बढ़िया स्पीड पकड़ी है, ये भी अब थक नहीं रहा है, पहले बहुत थक रहा था, मैं भी थक रहा था, लेकिन ये बंदा तो पता नहीं कहाँ का घोड़े का इंजेक्शन लगा के आया, क्या कर क्या है, चले ही जा रहा है। हम दोनों ने भी बढ़िया स्पीड पकड़ ली है, सामने ये देख लो इस तरीके से भी लेके जाते हैं नीचे। तो अब ये खाते पीते हैं, उसके बाद चलते हैं माता के दरबार में, वहीं आपसे बातचीत करेंगे। तो अभी यहाँ से बचा है माता का दरबार 1 किलोमीटर और यहाँ पर बारिश हुई है और ये देखो भाई साहब स्नोफॉल हुई है कितनी तगड़ी है, ये देख रहे हो पूरे वहां तक स्नोफॉल और ऊपर भी स्नोफॉल हुई है। और एक बात, जो हमारे साथ बंदा था ना अभिषेक, उसके हो चुके हैं फिल्टर शॉट और वो करीबन 2 किलोमीटर पीछे ही बैठ गया है, हम आगे तक चल के आ गए हैं। और अब यहाँ से 1 किलोमीटर बाद हमें बिल्कुल चिल्डम चिल्ड पानी से नहाना है। अगर आप वैष्णो देवी आए होगे तो आप लोगों को पता होगा कितना चिल्ड पानी होता है, तो उस पानी से अभी हमें नहाना है। उसके शॉर्ट्स होंगे वो आपको गोप्रो से दिखाऊंगा भाई साहब। वैष्णो देवी में चढ़ना और प्लस व्लॉगिंग करना बहुत बड़ी चीज है, बोलना जो है ना यहाँ पर जानलेवा हो सकता है। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? बिल्कुल हालत खराब है, बस सुकून मिल रहा है, सुकून देखो कैसे मिल रहा है, गेम खेल के हमें गुजारा करना पड़ा है, नेटवर्क है ही नहीं यहाँ पर। तो चलो आगे चलते हैं और नहाते हैं और आपको गोप्रो से दिखाते हैं। तो अभी हम वहाँ पर आ गए हैं जहाँ पर हमें नहाना है और यहाँ पर ठंड देखो कितनी है, ये देखो नीचे पूरी बर्फ ही बर्फ है और यहाँ पर बहुत ठंड है यार। और चलो चलते भाई, ये पहनेंगे और ये अभी पहन रखा है, समझ में आई? तेरे को तो नहाना नहीं है, हम तो नहाने जाए गोप्रो लेके चलेंगे ठंडे ठंडे पानी पे। ओड़ी भाई साहब ठंडे ठंडे फट गई भाई साहब, मेरे को नहीं बनाने वीडियो वीडियो इसको बोलिए मत, कैमरा चालू है इसके लिए अच्छा अपने आप लोड किया। बहुत ठंड है, देख घोटे गीले नहीं हुए, चलना।
तो नहाने के बाद आपने देखा था कैसी कड़क वाली हालत हो गई थी, कैसे कड़कते हुए मैं बाहर आया था और कैसी कैसी आवाज़ें मेरे मुंह से निकल रही थी। और अभी भी मैं हम बर्फ़ के ऊपर चल के आए हैं और पैर बिल्कुल ठंडे हो रखे हैं। और अब लॉकर में कैमरे को रखने का टाइम आ गया है क्योंकि कैमरा अलाउड नहीं है, कोई भी गैजेट आगे अलाउड नहीं है, फ़ोन वगैरह कुछ भी नहीं। तो इसको रख देते हैं आप बैग में। तो अभी माता रानी के दर्शन करके तुम्हारा भाई जा रहा है भाई भैरव बाबा के लिए। और एक चीज बताऊं, जो माता रानी के तो दर्शन हुए हैं भाई गजब के हुए हैं, जो मतलब होता है ना कि ऊपर पहाड़ नीचे पहाड़ और बीच में चल के जाते हैं, वो वाले दर्शन करे हम लोगों ने। और अभी भैरव बाबा के लिए जा रहे हैं और यहाँ पर देख रहे हो पूरी बर्फ ही बर्फ जमी पड़ी है, इस तरफ पूरी बर्फ ही बर्फ जमी पड़ी है, इसके ऊपर से चल के आना पड़ रहा है और पैर काफी ज्यादा स्लिप कर रहे हैं। यहाँ देख रहे हो पूरी बर्फ ही बर्फ, और अभी बारिश हुई थी नीचे, उससे पहले हुई थी ऊपर, और यहाँ पर हुई है स्नोफॉल, गजब का मजा आया सच में। ऊपर चलते भैरव बाबा और जल्दी से जल्दी नीचे उतरने की कोशिश करेंगे क्योंकि हमें एक और जगह भी जाना है। तो अभी कर लिया भाई भैरव बाबा के दर्शन और मजा काफी आ चुका है, तीनों लोंडे अपने तैयार हो चुके हैं वापस उतरने के लिए। अब करीबन यहाँ से 13 किलोमीटर उतरना है, मेरी हर बात मतलब हंसना ही है बिना बात पे। तो भाई इस ब्लॉग को बनाने बता दे तुमने रास्ते में क्या करा, क्या करा था बता दे, क्यों बताए, क्यों बताए, कुछ करा ही नहीं मैंने। अरे ठीक है ये ना ये बकचोदान में छोड़ो इनकी बातें। तो मैंने आज बहुत मेहनत करी इस ब्लॉग को मिलेंगे तो यार चलो ठीक है ठीक है। यहाँ पर बर्फ देख लो, दोबारा दिखा देता हूँ, मेरी मर्जी मेरा व्लॉग ठीक है। ओ भाई तुम बोलते रहो। तो चलो इस व्लॉग को करते हैं खत्म, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन सब्सक्राइब कर लेना अपने भाई का चैनल को, मेहनत अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। बाय बाय बूम।